हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट क्रिक एग्जाम। दोस्तों, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन सीएन 1/2018 वाले कैंडिडेट्स के लिए आरआरबी इलाहाबाद जोन से एक और बड़ी ऑफिशियल अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 18, 61 और 121 का यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, ज्वाइनिंग को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, उसको भी हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 18, 61 और 121 का यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दिया गया है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, 10 लोगों का यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट आया है। कैटेगरी नंबर 121, 18 और 61, इन तीन कैटेगरी का यहाँ पे दोस्तों पहले और दूसरे जो यहाँ पे अभी आया था डिवीजन अलॉटमेंट लिस्ट, उसमें नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे इन लोगों का दे दिया गया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो यहाँ पे आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ सेंड कर रखा हूँ, वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों की ज्वाइनिंग कब तक होगी, और साथ ही साथ दोस्तों अभी भी दो कैटेगरी यहाँ, मतलब की एक एएलपी और दूसरा दोस्तों कैटेगरी नंबर 59, इनका भी यहाँ पे अभी तक डिवीजन अलॉटमेंट नहीं आया है एनसीआर के लिए। दोस्तों, ये सारे आपके डिवीजन अलॉटमेंट एनसीआर के लिए हैं, क्योंकि एनआर से दोस्तों मैक्सिमम चांस है डिवीजन अलॉटमेंट की लिस्ट नहीं आएगी, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग आएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगर एनसीआर में 59 और कैटेगरी नंबर 1 और 2, मतलब एएलपी के लिए दोस्तों ये डिवीजन अलॉटमेंट का प्रोसेस यहाँ पे अभी भी चल रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि 15 तारीख से पहले या 15 तारीख के आसपास ही आप लोगों का डिवीजन अलॉटमेंट की भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जैसे कि मैं बोलते आ रहा हूँ कि विद इन 1 वीक सभी का लिस्ट आने की पूरी उम्मीद है, और वैसे ही एक एक दिन करके एक एक लिस्ट आती जा रही है। तो ये तो हो गई बात दोस्तों अगली की, और एनआर वालों के लिए दोस्तों बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोग डायरेक्ट ज्वाइनिंग आने की मैक्सिमम उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ज्वाइनिंग से लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की अलॉटमेंट के साथ साथ दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच कर दिया गया है। कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर रिसीव भी हुआ, अगर आपको भी रिसीव हुआ तो आप दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर हमारे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है targetcricketexam@gmail.com, आप उस पर मेल करिए, हम उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को पूरी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अदरवाइज कहीं से अगर मुझसे रिसीव होता है तो भी मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो आप लोगों को बना के प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको क्या क्या वहाँ पे प्रोसेस फॉलो करने हैं। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग के लिए भी अच्छी खबर है, आरआरबी इलाहाबाद जो इस मामले में बहुत ही तेजी से काम किया कि आपकी डिवीजन अलॉटमेंट के साथ साथ ज्वाइनिंग लेटर भी भेजना शुरू कर दिया है। तो उसको भी चलो हम अपने अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर पहुंच गई है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम आपको वीडियो बना के दे सके। और दोस्तों कोशिश करिएगा, अगर आप मेल करते हैं तो डॉक्यूमेंट को अच्छे से स्कैन करिएगा, जो कि विजिबल हो, ताकि उस पर वीडियो में लोगों को उसको समझ में आए। तो दोस्तों, ये रही छोटी सी अपडेट, आई होप आपको दोस्तों अपडेट पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसको लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।